Thomas, 5:30. Yes, we are going live on YouTube. Can somebody just check Facebook as well? Nitish Bhaiya. So hopefully that should also go. Sorry about that. You know, we tested everything, That's but okay. that's how life is, you know. Just when you think that you have figured everything out. I think Abhinav is there on YouTube and he's helping out to see whether it works or Yes, not. no problem. Abhinav, let me know once you're able to see the live streaming on YouTube. You can go ahead and start. Okay, I think it is live. Can everyone just check whether we are live on YouTube as well as Facebook? It shows that we Yes. are live. YouTube, yes. Okay. And just confirm that they can hear you, Aditi, because they should be Yeah. able to hear you. Abhinav, can you hear me? I mean, am I audible? FB is yet to come. Yeah, it takes some time on FB to No show problem. up. Go ahead. I think we can get started. Okay. So, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग. मैं अदिति और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे हार्टफुलनेस लर्निंग सर्कल में, जो कि पुणे सेंटर से ऑर्गेनाइज किया गया है. और आज के हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता. आप सभी को पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी माताएं हमसे जुड़ी हुई हैं इस सेशन के थ्रू, इस सत्र के थ्रू, उन सभी को हमारी टीम की ओर से हैप्पी मदर्स डे. एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इवन टॉक अबाउट सिस्टर निवेदिता टुडे. सिस्टर निवेदिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि सिस्टर निवेदिता एक्चुअली वॉज एन इंग्लिश वुमेन हु गॉट इंस्पायर. पुणे से हैं. हर्षल भैया, वेलकम. Yes, great to वेरी be नाइस here. टू हैव यू हियर. Likewise, it's wonderful और to be here. हर्षल भैया के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको. हर्षल भैया एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं पुणे से ही. उन्होंने एमआईटी कॉलेज से अपना डुअल ये इंजीनियरिंग किया और डुअल एमबीए किया कंप्यूटर सिस्टम्स और मार्केटिंग से, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से ही. उन ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई और उनको करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे उन्होंने काफी दौरे पे रहते थे. वो काफी ज्यादा वो विश्व में घूम के उन्होंने काम भी किया है, जैसे यूएस, जापान, पोलैंड, सिंगापुर. वो 2010 में इंडिया मूव हुए क्योंकि उनकी रुचि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा थी और वो चाहते थे कि इस रुचि को थोड़ा डीपन किया जाए और ज्यादा इसमें थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए. और साथ ही साथ वो युवा पीढ़ी को, मुझ जैसे कुछ यूथ को गाइड कर रहे थे और हम लोग को उन्होंने काफी गाइडेंस दी इस दौरान. तो हर्षल भैया अब इंडिया में ही हैं और हमारे इंडिया के कई तरीके के यूथ को वो कई सारी चीज़ों में गाइड करते हैं और हमें कई चीज़ें सिखाते हैं. अब वो पुणे में ही रहते हैं और एक आईटी कंपनी है जेंसार नाम की, जहाँ पे वो काम करते हैं. वो रीजनल कोऑर्डिनेटर है हार्टफुलनेस की तरफ से महाराष्ट्र के. एंड उनको एक बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड भी मिला था डेल कार्नेगी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. यूं तो उनके इंटरेस्ट फोटोग्राफी, मेकिंग फिल्म्स सब है, बट खास तौर पे उन्हें अपने दो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. तो ये थी कुछ बातें हर्षल भैया के बारे में. और अब हम बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वो हमारे साथ सिस्टर निवेदिता के बारे में क्या बताएंगे. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. एंड मुझे कहना So, I hope you liked this small launch of Heartfulness Learning Circle, जो हमने अभी एक हफ्ते से लॉन्च किया है. और सबसे पहले तो मैं सब लोगों को, सब माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहता हूँ. और
हमारी माताएं हमारे लिए इतना कुछ करती है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं वो कितना करती है। तो आज का दिन एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम एटलीस्ट उनको याद करें, उनको एक तरह का एहसास दिलाए कि हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए वो सब कुछ जो कर रही है। मुझे बेहद खुशी है कि आज का जो टॉपिक है वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये एक इंग्लिश महिला थी जिनका नाम बाद में निवेदिता रखा गया, और हमारी एक हार्टफुलनेस में एक बहुत ही प्यारी फ्रेंच सिस्टर है हेलेन पेरेट, जिनको हम मदर के नाम से बुलाते थे। तो ये बहुत एक अच्छा दिन है कि हम सिस्टर निवेदिता के लिए ये के बारे में हम बात करेंगे। और आपको मैं ये जो हेलेन पेरे है इनका और निवेदिता का क्या संबंध है ये मैं बाद में इस हमारा जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनका जो नाम था निवेदिता, इसका अर्थ है भगवान को समर्पित, और ये नाम स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को दिया था। मार्गरेट उनको इंग्लैंड में, जब वो अमेरिका से इंग्लैंड गए थे 2 महीने के लिए, 3 महीने में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टॉक्स भी दिए, ऐसे ही एक टॉक में उनकी मुलाकात मार्गरेट से हुई। उस टाइम तक मार्गरेट को काफ़ी हद तक इंडिया के बारे में पता था, अध्यात्म इंडिया के अध्यात्मक अध्यात्म के जो अलग अलग अंग है उनके बारे में पता था। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब स्वामी विवेकानंद को सुना तो उन्होंने कुछ नया सुना नहीं, उनको काफ़ी कुछ पता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद के व्यक्तिमत्व पे वो बहुत ही एक तरह से वो भाग गई थी। और इतना प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, इतना इतना प्रभावशाली अध्यात्म के बारे में कमांड कह सकते हैं, उनको बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी वो। और उन्होंने फिर बाद में ये तय किया था कि अगर मुझे किसी को फॉलो करना है तो ये जो आदमी है इसको मैं फॉलो करूँगी। ना अभी आप देखिए कि ये दौर जो था, ये हम 100 साल पहले का दौर की बात कर रहे हैं, 1898 के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। तब तक इंग्लैंड जो था उस वो पूरे विश्व पे राज कर रहा था, और ऐसे कहते थे कि इंग्लैंड के साम्राज्य पे सूर्यास्त होता ही नहीं है, यानी इतना बड़ा उनका जो विशाल ये था कि इंग्लैंड के साम्राज्य पे कहीं ना कहीं तो सूर्य रहता है, यानी सूर्यास्त होता नहीं है। ऐसे टाइम पे एक इंग्लिश वुमन, एक स्वामी, एक जिन्होंने संन्यास लिया है उनको फॉलो करेगी, वो भी उस देश में जो पराधीन है इंग्लैंड के। सोचिए ये बहुत इजी चीज़ नहीं रहेगी उनके लिए। उनके देशवासियों ने उनको उनको बहुत कुछ बोला रहेगा इसके ऊपर से, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर मेरे लाइफ में मुझे कुछ करना है तो मुझे सेवा करनी है, और ये जो आदमी है ये जो कहता है कि अगर आप मानव जाति की सेवा करो तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, ये बात बहुत अच्छी उन्हें लगी, और इसी बात पे से स्वामी जी ने उनका नाम निवेदिता रखा। निवेदिता जो सेवा को समर्पित है ईश्वर के और मानव जाति के। सिस्टर निवेदिता खुद से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और जो लिखा है वो उनका जो संपर्क स्वामी विवेकानंद के साथ जो हुआ, अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा संपर्क नहीं है उनका,
यानी वो मिली स्वामी विवेकानंद को 1898 में, और इंडिया आई मार्च में मिली, नवंबर में इंडिया आई। कलकत्ता में उन्होंने एक स्कूल चालू किया, और स्वामी जी जो थे, स्वामी विवेकानंद, इनका 1902 में महासमाधि हो गई। तो केवल 4-5 साल का ही इनका संपर्क था, 5 साल, सिर्फ 5 साल, और उसमें उन्होंने स्वामी जी के साथ वो घूमी, उनके साथ उनका काफ़ी संपर्क रहा, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ। स्वामी जी के गाइडेंस में उन्होंने लड़कियों के स्कूल स्थापित की और बहुत कुछ काम किया। और ये जो कंप्लीट वॉल्यूम्स है, कंप्लीट वर्क्स जो है, ये 5 वॉल्यूम्स जो है, ये उनके खुद के उनका खुद का अनुभव स्वामी जी के साथ क्या है, ये सबसे ज़्यादा वही है। 90% जो इसमें जो लेख है वो वही है, उनका ऑब्जर्वेशन, उनके विचार, उनका स्वामी विवेकानंद के साथ संभाषण, ये सब चीज़ें इसमें लिखी है। एक 5-10% जो है इसमें, वो स्वामी जी के मिलने के पहले के उन्होंने के जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे एक एक वॉल्यूम में क्या क्या है, क्योंकि ये जो सत्र है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्लीट वर्क्स ऑफ निवेदिता है। तो इसमें हमने उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके बारे में भी बताएंगे, और उनके लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। तो मैं जिससे सबसे ज़्यादा जो प्रेरित हुआ वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता के वॉल्यूम 1 में का जो पहला सेक्शन है, द मास्टर एज आई सॉ हिम, इसमें उन्होंने एक 10-11 आर्टिकल्स लिखे हैं, और यहाँ पे जो मास्टर का रेफरेंस है वो है स्वामी विवेकानंद। और ये बहुत ही उनका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है स्वामी जी के बारे में, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में लिखा है। फिर उन्होंने स्वामी जी के साथ जो प्रवास किया, भारत भ्रमण किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, वो जो 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 कि लिखा है कि नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग्स। फिर उनको स्वामी जी ने लेक्चर्स देने को कहा था, कोई आर्टिकल्स लिखने को कहा था, वो भी उन्होंने इसके अंदर इस वॉल्यूम में लिखा है। और उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनारायण में एक जो कहते हैं एक पिलग्रिम करके उन्होंने वो विजिट किया था, तो उसकी डायरी, उसके बारे में लिखा है कि उनका अनुभव कैसा था। कि जैसे हम कहते हैं ना, 4 धाम जाते हैं, तो वैसे ये 2 धाम जाने के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आए, इसके बारे में लिखा है। और हालांकि जब वो इंडिया आई तब वो कलकत्ता में रही, तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य स्वामी विवेकानंद है, उनका पूरा जो रहना था वो तो काली मंदिर के आजू बाजू में ही सब था। तो काली द मदर, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए, आज मदर्स डे है, और काली द मदर के बारे में कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 1 में भी बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम 2। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें उन्होंने इंडियन लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, इंडियन लाइफ के बारे में। देखिए, ये जो सिस्टर निवेदिता है, ये उनका जो देश है इंग्लैंड, आयरलैंड, ये छोड़ के इंडिया आई 100 साल पहले। एक महिला इंडिया में आई, आप सोचिए तब इंडिया में क्या क्या वस्तु स्थिति थी। आज के जैसे इंडिया नहीं था वहाँ उस टाइम पे, बहुत कठिनाइयाँ थी, और वो भी हेलो सुनाई दे रहा है? ओके, तो ये वॉल्यूम 2 से बोलूं? ओके, तो ये जो वॉल्यूम 2 है, तो ये इसमें लास्ट का जो सेक्शन है वो कलकत्ता में काली माता का जो मंदिर है, जहाँ पे परमहंस रामकृष्ण रहे, फिर उनके जो शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, तो ये काली माता का जो मंदिर है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है।
तो ये काली माता के बारे में भी उनका बहुत प्रभावशाली जो जो लाइफ थी वहाँ की कलकत्ता की, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फिर वॉल्यूम 3 जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम 3 में इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में कहा है और स्वामी विवेकानंद को मिलने के पहले ये बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थी, तो बोध गया के बारे में इन्होंने इस वॉल्यूम 3 में काफ़ी कुछ लिखा है। और 21वीं जो 19वीं सदी जो थी वो ख़त्म हो रही थी और 20वीं सदी शुरू हो रही थी, और ये टाइम इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बहुत कुछ चल रहा था कि इंग्लैंड से हम स्वतंत्रता कैसे मिलाई जा सके, इसके ऊपर भारत में बहुत कुछ चल रहा था, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखिए ये एक इंग्लिश वुमन थी और ये इंडियन नेशनलिज्म के बारे में प्रभावित हो रही थी, और फिर उस टाइम पे इंडिया में जो शिक्षण की क्या परिस्थिति थी इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और 1906 में एक बहुत बड़ा फैमिन हुआ था और एक फ्लड भी हुआ था ईस्ट बंगाल में, यानी जो अभी का बांग्लादेश है, और उसमें बहुत सारी जानें गई थी और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। और स्वामी सिस्टर निवेदिता तभी बंगाल में ही रह रही थी, तो उन्होंने ये सब जो देखा इसके बारे में उन्होंने इस वॉल्यूम 3 के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वॉल्यूम 4 में इन्होंने आर्ट के बारे में लिखा है और वो टाइम पे जो आर्टिस्ट लोग थे बंगाल के, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनके आर्ट के बारे में लिखा है, रविंद्रनाथ टागोर के बारे में लिखा है। और स्टार पिक्चर्स जो सेक्शन है इसके एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है, जो कॉन्स्टेलेशंस है, जो आसमान जो सितारे रहते हैं उसके बारे में। देखिए कितनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है कि पॉलिटिक्स, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, और यहाँ पे बुद्ध और यशोधरा के बारे में, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्वामी विवेकानंद को मिलने के पहले ये बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थी, उसके बारे में लिखा है। फिर क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म का जो सनातन धर्म है इसका जो उगम हुआ ये कैसे हुआ, इसकी जो शुरुआत थी इसकी क्या कहानी थी, ये सब चीज़ें उन्होंने क्रेडल टेल्स पे लिखी है। फिर रिलीजन और धर्म के बारे में लिखा है कि जो धर्म है और जो रिलीजन है ये क्या होता है। और एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है वॉल्यूम 4 में, एग्रेसिव हिंदुइज्म। देखिए एग्रेसिव हिंदुइज्म के बारे में सिस्टर निवेदिता ने 100 साल पहले आर्टिकल्स लिखे हैं, सोचिए आप। इसके बाद हम जाएंगे वॉल्यूम 5 में, और वॉल्यूम 5 में आप देखेंगे कि इन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखा है। उस टाइम पे इंडिया में जो लाइफ था, जो विचारधाराएं थी, उसके बारे में लिखा है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, और थोड़े बहुत जो स्केचेस, रिव्यूज़, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो है, स्पीचेस जो दिए गए उसके बारे में। और वॉल्यूम 5 में एक 15-20 पेजेस के में आर्टिकल्स लिखे जो स्वामी विवेकानंद को मिलने के पहले उन्होंने लिखे थे। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ये पूरे 5 वॉल्यूम सिस्टर निवेदिता और उनका, स्वामी विवेकानंद का उन पे प्रभाव, इसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित है ये, ठीक है। तो ये तो हुए 5 वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि जब इनका लास्ट, इनकी जो मीटिंग हुई थी जुलाई 2 को 1902 में, तो ये गई थी स्वामी जी को मिलने के लिए। उनको कोई प्रश्न पूछना था कि वो जो स्कूल चला रही थी उसमें कोई सब्जेक्ट सिखाना था, तो बहुत ही जो कहते हैं ना ऑपरेशनल क्वेश्चन था वो पूछने को वो स्वामी जी के पास गई, तो स्वामी जी ने ज़्यादा कुछ उनको उनको नज़रअंदाज कर दिया, काफ़ी कुछ का कुछ उन्होंने जो प्रश्न पूछे उनका कुछ सवाल उत्तर ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि निवेदिता जी आप खाना खा के जाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम खाना खा के जाते हैं। तो उन्होंने खाना खाया
और सिस्टर निवेदिता हालांकि अंग्रेज थी लेकिन वो खाना अपने हाथों से खाती थी, चम्मच से नहीं खाती थी। तो उन्होंने अपने हाथों से, उंगलियों से खाना खाया, और खाना खत्म होने के बाद जब वो हाथ धोने को गई तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी खड़े थे और उन्होंने पानी लेके अपने हाथों से उनके हाथ धोए। जब सिस्टर निवेदिता ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो स्वामी जी, आप मेरे हाथ क्यों धो रहे हो, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद धो लूँगी। तब स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा कि यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के पैर धोते थे। उन्होंने कहा कि यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के पैर धोते थे। अभी निवेदिता उनको सिर्फ बोलने ही वाली थी लेकिन स्वामी जी, वो तो जो लास्ट सफर के टाइम की बात थी, उसके बाद में यीशु ख्रिस्त को क्रूसीफाई किया था, और ये बात थी जुलाई 2 की, 1902 की, और वहाँ से वो चली गई और जुलाई 4 को 1902 में, 2 दिन के बाद स्वामी जी की महासमाधि हो गई। तो देखिए, उन्होंने अपने महासमाधि की तैयारी करते हुए उनके शिष्य के हाथ धोए और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के पैर धोते थे। लास्ट टाइम जब वो उनको मिले तब उन्होंने उनके पैर धोए थे। उसी दरमियान, उसी 2 दिन में स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता के बारे में ये कहा था कि शी इज प्योर एज प्यूरिटी एंड लविंग एज लव इटसेल्फ। वो इतनी प्योर है कि प्यूरिटी जितनी प्योर है, और उनमें इतना प्रेम भरा हुआ है, इस तरह से प्रेम करती कि प्रेम ही जैसे प्रेम करता हो। और देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है स्वामी जी ने जो इनके बारे में कही। लेकिन ये कहते हुए तो और सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन सिस्टर निवेदिता काफ़ी रेबेलियस रेबेलियस थी, यानी उनका उनमें और स्वामी जी में काफ़ी कुछ बहस वगैरह होती रहती थी, नोकझोंक होती रहती थी। और स्वामी जी को वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनको वो जो पोटेंशियल था सिस्टर निवेदिता का, वो उनको पता था। तो वो उसको हमेशा काफ़ी उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, उनको काफ़ी समय देते थे, उनको काफ़ी समझाते भी थे। लेकिन सिस्टर निवेदिता का जो नेचर था वो बहुत बहुत ही प्योर था और स्वामी जी को इसका पता था। सिस्टर निवेदिता के बारे में स्वामी जी ने एक कविता लिखी थी, ये मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। बहुत सुंदर कविता है, द मदर्स हार्ट द हीरोज विल द स्वीटनेस ऑफ द सदर्न ब्रीज द सेक्रेट चार्म एंड स्ट्रेंथ दैट ड्वेल ऑन आर्यन ऑल्टर्स फ्लेमिंग फ्री, ऑल दीज बी योर्स एंड मैनी मोर, नो एंशंट सोल कुड ड्रीम बिफोर, बी दाउ टू इंडियाज फ्यूचर सन द मिस्ट्रेस सर्वंट फ्रेंड इन वन। एक माता का हृदय एक योद्धा की ये एक योद्धा का विल, इच्छा शक्ति, और एक मधुरता, और एक तरह का जो सेक्रेड है, जो बहुत ही पावन है, और एक शक्ति, ये सब उन्होंने स्वामी जी ने निवेदिता को अर्पित की कि ये सब आपका हो जाए और आप इंडिया के जो फ्यूचर जनरेशंस है, फ्यूचर सन्स है, यानी कि हम लोग इसकी आप मिस्ट्रेस, यानी जैसे मास्टर रहता है वैसी मिस्ट्रेस, सर्वेंट सेवक और फ्रेंड, दो सब मिला के आप सिस्टर निवेदिता हमारे इंडिया के फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये बने। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। 100 साल के बाद आप सब लोग यहाँ बैठ के सिस्टर निवेदिता के बारे में सुन रहे हैं।
1911 में केवल 43 साल की उम्र में, 43, एज ऑफ 43, सिस्टर निवेदिता की महासमाधि हो गई। जैसे कि स्वामी जी भी बहुत यंग एज में चले गए, सिस्टर निवेदिता भी काफ़ी यंग एज में बहुत कुछ काम करके चल गई, चल बसी। और उनका मेमोरियल जो रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया फॉल्स दार्जिलिंग के पास, वहाँ पे है। और वहाँ पे उनके उनका जो एपिटाफ है उस पे लिखा है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। यहाँ पे सिस्टर निवेदिता है जिसने, उनके पास जो भी था वो सब भारत को समर्पित किया। प्रणाम एवरीवन। यू ऑल नो मैडम हेलन पेरे और मीडियम, शी पास्ड ऑन दिस मॉर्निंग एट 2 o'clock लोकल फ्रेंच टाइम। शी हैड बीन डेडिकेटेड servant of the great master, pranams everyone. You all know Madame Helen Perry, her medium. She passed on this morning at 2 o'clock local French time. She had been a dedicated servant of the great master. She is an extreme example. तो बेसिकली ये जो टॉक है, आई थिंक उसका आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन इस टॉक में, ये हार्टफुलनेस के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसमें दाजी ने कहा है कि 2005 में उनको बाबूजी ने कहा कि हमारी जो सिस्टर हेलेन पेरे थी वो कोई नहीं बट सिस्टर निवेदिता का एक, ये जन्म जो है उन सिस्टर निवेदिता ने हेलेन पेरे के रूप में लिया है। और सिस्टर हेलेन की महासमाधि 2018 में हुई, तभी उन्होंने ये बात कही है। सॉरी, वो ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने वो वेबसाइट से थोड़ा डाउनलोड करके किया था। लेकिन लेकिन कहने की बात यह है कि दाजी को 2005 में पता चला कि ये जो हेलेन पेरे, जो मीडियम है, हार्टफुलनेस में जो विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड के जो ग्रंथ है, ये पूरे ग्रंथ सिस्टर हेलेन ने बाबूजी के कहने पे लिखवाए थे। ओरिजिनली फ्रेंच में लिखवाए थे, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ, फिर इतर भाषाओं में भी इसका पब्लिकेशन हुआ है। तो देखिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, और कि हमारे हमारे को हमको मार्गदर्शन करने के लिए ये इतने पावरफुल मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, मिस्ट्रेस है, स्वामी विवेकानंद है, सिस्टर निवेदिता है। और मुझे तो ये लगता है कि स्वामी जी के कहने पे सिस्टर निवेदिता वापस आई और हमको बहुत अलग तरीके से उन्होंने गाइड किया है। ये जो विस्पर्स दिया है हमको, बहुत अलग तरीके से गाइड किया है। यानी वो सामने आए ही नहीं, क्योंकि उनका ये जन्म जो था बहुत ही डिफिकल्ट था। बीमार रहती थी, बेड पे रहती थी, बहुत डिफिकल्ट था। और इस ऐसे कठिनाइयों में उन्होंने हम सब लोगों को विस्पर्स जैसा ग्रंथ का गिफ्ट देके मार्गदर्शन दिया है। तो मैं तो अभी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 2020 का जो मदर्स डे है और हार्टफुलनेस लर्निंग सर्कल का ये जो एपिसोड है, ये हम सिस्टर निवेदिता और सिस्टर हेलेन पेरे इनको समर्पित करते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो माताएं हैं,
ये भारतवर्ष की माताएं हैं जो जिन्होंने भारत में जन्म ही नहीं लिया, लेकिन यहाँ आके, अभी सिस्टर निवेदिता तो खुद इंडिया आके इन्होंने बहुत कुछ काम किया, लेकिन और हेलन पेरे ने फ्रांस में रह के हमारे, सिर्फ इंडिया को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन विस्पर्स जो है, ये जो सौगात है ये पूरे विश्व के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पब्लिकेशन होने के वजह से सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है तो यहाँ पे भारतवर्ष के लोगों को सबसे ज़्यादा हुआ है और बाकी के लोगों को भी हुआ है। तो ये दो जो हमारी माताएं हैं इनको ये समर्पित है, और इसी के साथ हम ये जो आज का हमारा एपिसोड है, इंट्रोडक्शन टू द कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता, ख़त्म होता है। मैं चाहता हूँ कि आप एक फीडबैक दें मेंटी का, जो चैट में आप देखोगे कि अदिति ने दिया है, वो मेंटी यूआरएल पे क्लिक करके डिजिट कोड है 825090, वो दे के आप उसमें आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फीडबैक लेके जाने कि आपको ये कैसा लगा, आप क्या, आपको इस तरह के एपिसोड्स आगे भी अच्छे लगेंगे, या इसमें कुछ बदलाव आपको अच्छा लगेगा, या क्या क्या चीज़ें हम इसमें ला सकते हैं ताकि ये ना केवल इंटरेस्टिंग हो लेकिन इसमें से आप कुछ सीख पाए। और सबसे ज़्यादा ये जो हार्टफुलनेस लर्निंग सर्कल है, जो पुणे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एक इनिशिएटिव है, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आधा एक घंटा बात करें, लेकिन इसके बाद में हम चाहते हैं कि आप जाके ये ग्रंथ पढ़े, इसमें से आप एक तरह का इंस्पिरेशन ले, और ये इंस्पिरेशन अपने लाइफ में लाके खुद को इंस्पायर करके दूसरों को भी इंस्पायर करें, ये हम चाहते हैं। तो प्लीज़ आप मेंटी का सर्वे दे दीजिए, और मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो मॉनिटर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, अदिति, शैलेश, अभिनव, नीतीश, कि अगर कोई प्रश्न रहे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे पास वो पांचों ग्रंथ है सिस्टर निवेदिता के कंप्लीट वर्क्स के, जो मैंने पूरे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमारे हार्टफुलनेस ट्रेनर्स का मेंटर हूँ, तो मैं, मेरे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं मैं उनको उसमें से रीडिंग मटेरियल देता हूँ, और जो हमारे मेंटर सेशंस रहते हैं उसमें हम डिस्कस भी करते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रेनर्स बने वो उनका जो विचार करने का जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा रहे, और इनको एक्सपोजर भी मिले, जो बड़े बड़े जो मास्टर्स है, सिस्टर निवेदिता जैसे मास्टर्स है, स्वामी केरन जैसे मास्टर्स है, इनके विचारों के बारे में भी पता चले। ओके आदिति, एनी क्वेश्चंस? जरूर जरूर। हाँ, ये वही है कि ये हार्टफुलनेस लर्निंग सर्कल डिमांड ड्रिवन है, कि आपको क्या सुनना है हमको वो देना है, हमको ऐसे नहीं करना है कि हम ही कुछ करते जा रहे हैं और आपको कुछ और चाहिए, तो आप हमें फीडबैक दीजिए। तो मेंटी में आप अगर वो फीडबैक देते हो तो हम ज़रूर, इनफैक्ट जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ निवेदिता है उसमें से हम कोई चैप्टर्स लेके उसके ऊपर डिटेल में जाके करेंगे। तो एक जो चैप्टर मुझे बेहद पसंद है, वो जो वॉल्यूम 1 में है, उसका टाइटल है अवेकनर्स, अवेकनर ऑफ सोल्स, यानी जो रूह को जागृत करता है, स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने लिखा है उस आर्टिकल में, कि अवेकनर ऑफ सोल्स। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैंने उनको भी वो एज अ रीडिंग लेसन दिया था, बहुत ही सुंदर है वो, हम अगले टाइम ले सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितना मैंने जाना है, पढ़ा है, वो उनके जो पिता थे वो कॉलेज प्रोफेसर थे, उनका जो अपब्रिंगिंग था वो काफ़ी क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग था, लेकिन उनको काफ़ी रुचि थी दूसरे फिलॉसफीज़ और जैसे कि बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्ध के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो
स्पिरिचुअली ओरिएंटेड थी, हालांकि उनका जन्म यूरोप में हुआ और यूरोप में उस आई मीन तब 2000 साल से क्रिश्चियनिटी ही सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्म है, लेकिन धर्म के परे थी वो और अध्यात्म के इसमें ज़्यादा थी, और वो ढूंढ रही थी कि ऐसे कौन मुझे मिल सके, कौन कौन मुझे मिले जो मुझे गाइड करे और मुझे मेरे अगले लेवल पे लेके जाए। और उन्होंने उनको स्वामी विवेकानंद मिले और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि यदि स्वामी विवेकानंद मेरे ज़िंदगी में नहीं आते तो मैं इतने आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, ऐसे उनके इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हाँ, उनका देहांत इंडिया में ही हुआ, दार्जिलिंग में। वो एक घर है जहाँ पे वो रहती थी, अभी भी वो घर है और वहाँ पे उन्होंने उनका लास्ट देहांत हुआ। उन्होंने पूरा पूरी ज़िंदगी जो इंडिया में आने के बाद 1898 में आने के बाद पूरी अपनी ज़िंदगी इंडिया की सेवा में समर्पित की, तो उनका जो नाम है निवेदिता यानी सेवा को समर्पित, उन्होंने एक्चुअली वो ज़िंदगी जी है। बहुत इतना इतनी इजी ज़िंदगी नहीं रहेगी, बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने झेली रहेगी, और एक इंस्पायरिंग व्यक्तिमत्व ये हमारे सामने वो है। जी करेक्ट। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि सिस्टर निवेदिता का योगदान भारत के स्वतंत्रता मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में भी है। उन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया और शायद यही एक बात थी कि उन्होंने फिर जो श्री रामकृष्ण मठ जो है उससे ज़्यादा उन्होंने तभी संपर्क नहीं रखा, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे जो इंडियन नेशनलिज्म के बारे में थे, उनको पहले लगता था कि इंडिया इंग्लैंड के नीचे बहुत अच्छी तरह से रहेगा, लेकिन जब इंग्लैंड के शासनकारों ने बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दी, आतंक थोड़ा सा आतंक फैलाया, थोड़ा सा लोगों को कठिनाइयाँ देना शुरू कर दी, तब उनका व्यू चेंज हो गया और उन्होंने उनको ये बिल्कुल ये एक बात उनको डट के उनके मन में आ गई कि जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलता है तो इंडिया ग्रो नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने काफ़ी हद तक स्वतंत्र सेनानी जो लोग थे उनको काफ़ी सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया, और इसलिए उन्होंने फिर ये जो बाकी के जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थे उससे वो थोड़ी दूर हो गई, क्योंकि उसके उनके पॉलिटिकल व्यू से उनको कोई आँच ना आए, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपने आप को दूर रखा। तो देखिए, इसके लिए भी एक बड़ा हृदय की ज़रूरत है कि आप जो काम करते हैं, आपको जो मल्टी डायमेंशनल वर्क है,
तो उससे आप किसी को कुछ आंच ना पहुंचे और उनको ये ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऐसा किया। बहुत इंस्पायरिंग है ये, काफ़ी इंस्पायरिंग है। बिल्कुल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लर्निंग सर्कल है ये इंफॉर्मेशन सेशन नहीं है, यू नो इट्स नॉट अबाउट, आई मीन दिस इज़ अ बिगनिंग। ये आपको इंस्पायर करे कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप अमेजोन पे जाइए, कहीं पे भी जाइए लॉकडाउन के बाद, और जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ निवेदिता है या आप ऑर्डर करके आपके घर के लाइब्रेरी में रखिए। कभी ना कभी आपको वक्त मिलेगा, आप जाके एक दो चैप्टर्स पढ़ोगे और ये पढ़ते रहिए, क्योंकि, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ये लैंग्वेज इजी नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश है 100 साल पहले की तो ये, इसलिए हम इसका अभ्यास ये लर्निंग सर्कल में कर सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप में से ही कोई आके एक दो चैप्टर्स के बारे में प्रेजेंट करे, ताकि हम इसके बारे में थोड़ा, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन कहिए, आधे घंटे का विचार विमर्श कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं लर्निंग सर्कल में। हाँ, तो अगर आप वो URL पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप menti.com पे जाओगे तो आपको वो कोड डालना पड़ेगा। ये आज, अच्छा ये आज का सेशन के बारे में है क्या? ओके, वेरी गुड, आई ओपनर, गुड इनिशिएशन, यूजलेस फॉर यूथ, ओके ग्रेट इनिशिएटिव टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, ऑसम, ओके गुड। नहीं नहीं यूजलेस लेकर आया वहाँ पे, नहीं दैट्स ओके, सी इट्स फाइन। देखो यार, हमको लाला जी ने सिखाया है कि जो भी फीडबैक है वो लेना चाहिए, और जो हमारे निंदक है वही हमको आगे चल के हमको अच्छा बनने को सिखाएंगे। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो हमको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं है। अगर अगर किस सबसे ज़्यादा मुझे खुशी यही हुई कि आज के मदर्स डे पे हमने ये दो जो बड़े मदर्स से इनके बारे में बात की, मुझे बात करते हुए ही इतना मेरा दिल भर आया कि बहुत बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और मैं आपको, पूरी टीम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये चांस दिया मदर्स डे पे सिस्टर निवेदिता और सिस्टर हेलन के बारे में बात करने के लिए। सचमुच मुझे, मेरा पूरा हृदय भर आया इसके ऊपर से। थैंक यू जी।